Hello dear students, we are going to conduct the practicals of the subject digital communication system. So here is the list of digital communication system practicals. There are total 28 practicals we have to perform from 1st to 13 on the first page and from 14 to 28. And though these are 28 practicals, still we can merge two practicals into one practical, or these are the subparts. So our today's practical is to construct the circuit for generation of Hamming code for 4-bit data. So what is the practical significance? हम ये practical क्यों perform कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि हैमिंग कोड एक ऐसा कोड है कि जो एरर करेक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाता है और एरर डिटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है. तो ये जो हैमिंग कोड है, इसमें हमको अगर 4-bit डेटा दिया हुआ है तो टोटल 3 पैरिटी बीट्स जनरेट होती है, जिनको मिलाने के बाद टोटल 7-bit वाला एक हैमिंग कोड यहाँ पे जनरेट होगा. तो वो पैरिटी बीट्स कैसे आइडेंटिफाई की जाती है विद द हेल्प ऑफ सर्किट? तो ऐसा कैसे सर्किट हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक एक्सॉर गेट की जो आईसी होती है, उसका यूज़ करके हम इस सर्किट को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सो दैट जो 7-bit वाला कोड होता है उसकी हेल्प लेके हम डेटा में से एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एरर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, और डिटेक्ट की हुई एरर को हम फिर से करेक्ट कैसे कर सकते हैं सिंगल बिट एरर को. सो विद द हेल्प ऑफ दिस हैमिंग कोड इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट एज वेल एज टू करेक्ट द एरर. तो सबसे पहले ये हैमिंग कोड कैसे जनरेट किया जाता है ये अब हम देखेंगे. सो प्रैक्टिकल आउटकम्स जो है वो हमारे कौन कौन से है? फिर डिसिप्लिन नॉलेज, क्योंकि इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो हमें हमारे डिपार्टमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद में एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस, कि हम किस टाइप से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं, क्या हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, ये भी हम देख सकते हैं. और इसके बाद में इंजीनियरिंग टूल्स, ये भी प्रोग्राम आउटकम, कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या कर सकते हैं सो दैट वी कैन रिमूव द लिमिटेशंस. इसके बाद में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ जनरेट होगी, तो वी कैन मेंटेन द बेसिक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, सो दैट हम सर्किट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, सर्किट में से आईसी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, फिर ट्रेनर किट से कनेक्शन कैसे ज्वाइन किए जाते हैं, इसके बाद में सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, ये हम देखेंगे. जैसे कि आपको पता है कि 7-bit हैमिंग वर्ड कोड वर्ड किस टाइप से लिखा जाता है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P1, P2 और P4 ये जो हैं ये पैरिटी बिट्स हैं, और ये D3, D5, D6 एंड D7 ये 4 जो हैं ये हमारे डेटा बिट्स हैं. तो हम पैरिटी बिट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये अभी हमें देखना है. तो उसको आइडेंटिफाई करने की क्या प्रोसेस होती है ये भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ये शॉर्ट में बताना बहुत ज़रूरी है. ऑलरेडी दिस पार्ट हैज़ बीन कवर्ड इन थ्योरी, तो ये आपको पहले से ही पता है कि P1 को अगर मुझे चेक करना है या P1 की वैल्यू को अगर मुझे सेट करना है तो मुझे कौन कौन से बिट्स को चेक करना ज़रूरी है. सो उसके लिए हमने एक टेक्निक है, P1 को चेक करने के लिए सब ऑड नंबर्स लेने हैं, यानी 1, 3, 5, 7. P2 को चेक करने के लिए P2 से स्टार्ट होगा और 2 बिट्स लेने हैं कंटिन्यूएशन में, जैसे P2 D3 ये 2 बिट हमने कंटिन्यूएशन में लिए, फिर 2 बिट कंटिन्यूएशन वाले छोड़ दिए, यानी P4 D5 हमने छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट 2 बिट्स को हम लेंगे D6 एंड D7. इसके बाद में P4 को चेक करने के लिए 4 रिप्रेजेंट्स 4 कंटिन्यूएशन वाले बिट्स हमको लेने हैं, तो P4, D5, D6 एंड D7, तो 4 कंटिन्यूएशन वाले लेने पड़ते हैं और 4 कंटिन्यूएशन वाले छोड़ने पड़ते हैं. लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7-bit कोडवर्ड है, इसलिए हम सिर्फ 4 कंटिन्यूएशन वाले बिट को लेने वाले हैं. सो अभी ये टेक्निक हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज़ द सिंबॉल ऑफ एक्सॉर गेट, हाउ वी कैन यूज़ दिस एक्सॉर गेट
टू डेवलप आवर प्रोग्राम और डेवलप आवर सर्किट डायग्राम टू कंस्ट्रक्ट द हैमिंग कोड वर्ड. अब देखिए मैं आईसी ड्रॉ करने की कोशिश कर रही है सो दैट आप लोगों को समझ में आए. सो ये अगर एक्सॉर की आईसी है 7486, तो हमको पता है कि इस आईसी में टोटल 14 पिंस है, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 एंड 14. तो 14 पिन पे हम वीसीसी कनेक्ट करते हैं और 7th नंबर के पिन पे हम लोग ग्राउंड का कनेक्शन देते हैं. ठीक है, अब इस पिन को हमको पैरिटी बिट्स जनरेट करने हैं. सो दिस इज़ पिन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6. तो हमें पैरिटी बिट चेक करने हैं. सपोज मुझे पहला पैरिटी बिट चेक करना है, तो P1 को चेक करने के लिए मैंने क्या टेक्निक बताई आप लोगों को, वन है इसका मतलब मुझे फर्स्ट वाला लेना पड़ेगा, 1 बिट P1. उसके बाद में एक छोड़ दो, एक दूसरे को लो, यानी हमारा आएगा D3. फिर चौथा छोड़ दो, फिर आएगा हमारा D5. फिर हमने छठवा छोड़ दिया, फिर आया हमारा D7. यानी P1 को चेक करने के लिए मुझे 3 बिट का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है. सो हम क्या करेंगे, ये 1 नंबर की जो पिन है इसको नाम दे देते हैं D3. 2 नंबर की पिन को जो रहेगा वो रहेगा हमारा D5. उसके बाद ये XOR गेट जो होता है ये इंटरनली इस टाइप से बना हुआ होता है, XOR गेट है ना. इसके बाद में 4 और 5 को मिला के और एक XOR गेट होता है जो कि 6 नंबर पे आउटपुट है. अब यहाँ पे हमारे 2 XOR गेट यूज़ हो रहे हैं और दोनों का इंटरकनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, तो पिन नंबर 3 को हम पिन नंबर 4 के साथ में जॉइन कर देंगे. अब बची हुई पिन नंबर जो 5 है उसको हम D7 नाम दे देंगे. अब ये जो P1 है ये हमें कहाँ पर मिलने वाला है, तो ये जो पिन नंबर 6 है यहाँ पे हम एक LED लगाएंगे, ठीक है, और इस LED का कनेक्शन हम ग्राउंड के साथ कर देंगे वापस से. तो इसका मतलब LED अगर ग्लो होता है तो ये किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, P1 की वैल्यू. अगर LED ग्लो हुआ तो P1 की वैल्यू 1 होगी, अगर LED ग्लो नहीं हुआ तो P1 की वैल्यू 0 हो जाएगी. अब देखिए स्टूडेंट कि सपोज 4 बिट का डेटा हमें दिया गया है कि 1 0 1 1, ये D3 सब D वाले बिट्स में मैंने चारों बिट्स को लगा दिया है यहाँ पे. अब मुझे हमें पता है कि 4 बिट के डेटा में 3 बिट पैरिटी बिट्स होते हैं और उनका लोकेशन कैसे सेट किया जाता है, P1 P2 P4, ये यही लोकेशन पे कैसे आए, इसके लिए एक टोटल फॉर्मूला होता है. 2 to the power 0 का मतलब क्या होता है, 1. हमेशा 2 to the power करना है, 2 to the power 0 यानी 1. इसलिए फर्स्ट वाला जो लोकेशन होगा वो पैरिटी बिट का होगा. 2 to the power 1 यानी 2, तो सेकंड वाला भी जो लोकेशन होगा वो भी पैरिटी बिट के लिए होगा. उसके बाद 2 to the power 2 यानी 4, तो इसलिए फोर्थ वाला लोकेशन जो है वो भी पैरिटी बिट के लिए होगा. इसके बाद 2 to the power 3 करते तो 8 आएगा, लेकिन 8 नंबर वाला लोकेशन है ही नहीं. इसका मतलब 4 बिट डेटा में सिर्फ 3 पैरिटी बिट्स ही हम ऐड कर सकते हैं और पैरिटी बिट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमेशा 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, तो 1, 2 और 4th, ये 4 लोकेशन पे ही हमारा पैरिटी बिट्स होगा. अब ये देखिए कि 1 0 1 1 ये मेरा डेटा है. अब मुझे P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. P1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे कैसे डेटा लेना है, दिस P1 एक ले लिया, एक को छोड़ दिया, फिर इसको लिया यानी D3, फिर इसको छोड़ दिया, फिर इसको लिया यानी D5, फिर इसको छोड़ दिया, फिर इसको ले लिया D7. अब हमारा डेटा देखिए, D3 की वैल्यू है 1, D5 की वैल्यू है 1 और D7 की वैल्यू है 1. अगर मुझे इवन पैरिटी वाला डेटा जनरेट करना है, कौन सा, इवन. इवन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ 1 ये कितने होने चाहिए, इवन नंबर्स में होने चाहिए. टोटल नंबर ऑफ 1 कितने होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए. तो अगर मुझे P1 की वैल्यू जनरेट करनी है, इवन करना है, तो मुझे P1 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी उस वक्त, 1. सो दैट टोटल नंबर ऑफ 1 कितना हो जाएगा मेरा, इवन. लेकिन मुझे ऑड पैरिटी वाला अगर डेटा क्रिएट करना है, ऑड का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ 1s क्या होने चाहिए, ऑड नंबर में. अब ऑलरेडी यहाँ पे 1 2 3
ये ऑड नंबर है 3, तो मुझे P1 की वैल्यू जनरेट क्या होनी चाहिए मेरी, 0। ठीक है ना, यानी ऑड पैरिटी के लिए मुझे P1 की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी और इवन पैरिटी के लिए मुझे P1 की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। अब हम कोशिश करते हैं कि हम ऑड पैरिटी के लिए कैसे जनरेट करेंगे। सपोज मुझे P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P2 फॉर ऑड पैरिटी। तो P2 के लिए क्या टेक्निक बताई मैंने, 2 है इसका मतलब दो दो बिट्स लेने हैं, लेकिन दो कंटिन्यूएशन वाले। तो P2 उसके बाद वाला कौन सा आया, D3। दो कंटिन्यूएशन वाले ले लिए, दो कंटिन्यूएशन वाले छोड़ दिए, उसके बाद दो कंटिन्यूएशन वाले लेना है D6, D7। फिर से D3 की वैल्यू क्या है हमारी, 1, D6 की वैल्यू क्या है, 0, और D7 की वैल्यू क्या है हमारी, 1। अगर मुझे ऑड पैरिटी वाला डेटा चाहिए तो P2 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 1 करनी पड़ेगी। अगर मुझे इवन पैरिटी वाला डेटा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे P2 की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। यानी ऑड पैरिटी के लिए मैंने अभी डेटा जनरेट किया 1, इवन ऑड पैरिटी के लिए P2 कितना हो जाएगा 1, और इवन के लिए P2 कितना हो जाएगा 0। वैसे यहाँ पे ऑड के लिए P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और इवन के लिए P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देखो अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दिया तो टोटल इवन नंबर्स ऑफ 1 हो जाएंगे, इसलिए इसको इवन या ऑड पैरिटी सेट करना कहते हैं। वैसे ही P4 की वैल्यू अगर मुझे सेट करनी है, P4 का मतलब क्या है, 4 कंटिन्यूएशन वाले, यानी P4, 4 का मतलब 4 कंटिन्यूएशन वाले बिट लेने हैं। तो 4 कंटिन्यूएशन कौन कौन से हैं, P4, D5, D6 एंड D7। ठीक है, तो अभी ये देखिए यहाँ पे, तो P4, D5, D6 एंड D7। तो इसमें D5 की वैल्यू कितनी है 1, D6 की वैल्यू कितनी है 0, और D7 की वैल्यू कितनी है 1। तो मुझे P4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मुझे इवन पैरिटी करना है तो ऑलरेडी यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टूज है, वंस है सॉरी, तो यहाँ पे देखें 1, 2, तो मुझे और एक्स्ट्रा 1 की ज़रूरत नहीं है। तो इवन पैरिटी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0, यानी इवन के लिए P4 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 0। लेकिन वही अगर मुझे ऑड पैरिटी बनाना है तो P4 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ऑड के लिए 1, 2, और यहाँ पे ऑड नंबर में 1 होने चाहिए। पैरिटी हमेशा 1 के नंबर पे डिपेंड करती है, इवन नंबर ऑफ 1 यानी इवन पैरिटी, ऑड नंबर ऑफ 1 यानी ऑड पैरिटी। तो अभी ऑड पैरिटी अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा 1 लिखना पड़ेगा, तो P4 की वैल्यू मुझे क्या सेट करनी पड़ेगी, 1 सेट करनी पड़ेगी। अब हम इसी सर्किट को, इसी वैल्यूज़ को लेके हम ये जो हमने सर्किट डिज़ाइन किया है इसको अभी कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, और क्या LED सच में ग्लो होता है या नहीं होता है वो चेक करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये जो IC हमने यूज़ किए हैं, ये है XOR वाली IC 7486। अभी नंबर आपको यहाँ से क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि कैमरा में वो नंबर कवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका पिन नंबर जो 14 है वो मैंने यहाँ पे VCC में यानी +5 वोल्ट पे लगाया हुआ है। पिन नंबर जो 7 है, ये वाला लास्ट वाला पिन, ये मैंने यहाँ पे ग्राउंड में लगाया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। और ये जो LED ग्लो कर रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि हमने पावर ऑन कर दिया है। इसके बाद में जैसे ही हमने इस डायग्राम के हिसाब से पिन नंबर 7 को हमने ग्राउंड पे लगा दिया, पिन नंबर 14 को हमने VCC यानी 5 वोल्ट पे लगा दिया, अब पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 जो है उनको D3 और D5 इंडिकेट करना है। अगर मुझे P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस LED को, यानी आउटपुट को, अगर मैं P1 मान के चलती हूँ, मुझे P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो P1 के लिए मेरे पास कौन कौन से बिट्स होते हैं, D3, D5, D7। इसलिए मेरा पहला नंबर का पिन D3 होगा, दूसरे नंबर का पिन D5 होगा, और बचा हुआ 5वें नंबर का जो पिन है वो D7 होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अब पिन नंबर जो 1 है, ये जो पिन नंबर 1 है ये मेरा D3 है, ठीक है, पिन नंबर 2 जो है वो मेरा D5 है, और पिन नंबर 5 जो है वो मेरा D7 है, ये पिन नंबर 5। पिन नंबर 6 के साथ में, यहाँ पे देखिए, आप पिन नंबर 6 के साथ में मैंने आउटपुट LED को कनेक्ट कर दिया है, L नंबर 15, यानी LED 15 को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अभी LED 15 ग्लो नहीं हो रहा है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा डाटा क्या क्या चाहिए अभी हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर D3 1 है, D5 1 है, और D7 1 है,
तो P1 क्या आना चाहिए? P1 D3 D5 D7 तीनों 111 हैं, और अगर मुझे इवन पैरिटी सेट करनी है तो P1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1, और P1 की वैल्यू अगर 1 आनी चाहिए तो LED ने ग्लो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं अभी, ये हमारा D3 है, इसको हमने 1 पे रखा, इसके बाद में ये हमारा D5 है, इसको भी हमने 1 पे रखा, और ये हमारा D7 है, इसको भी हमने 1 पे रखा, यानी D3 D5 और D7 तीनों 111 पे है, तो हमारा आउटपुट जो है LED ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ही हमारा P1 जो है वो 1 है, यानी हमारी इवन पैरिटी सेट हुई है। अब अगर मुझे P2 की वैल्यू सेट करना है तो P2 के वैल्यू के लिए मुझे क्या क्या होना चाहिए? P2 के वैल्यू के लिए अब इस LED का नाम क्या हो जाएगा मेरा, इस LED को मैं क्या लिखूँगी? P2। लेकिन P2 के लिए कौन कौन से बिट्स की ज़रूरत होती है? D3 D6 और D7। तो ये पहला वाला बिट क्या हो जाएगा यहाँ का? D3। दूसरा वाला बिट क्या हो जाएगा? D6। और तीसरा ये जो बचा हुआ बिट क्या हो जाएगा? D7। अब मुझे देखिए D3 की पोजीशन क्या है? 1। D6 क्या है? 0। और D7 क्या है? 1। तो ये तीनों अगर मैंने दे दिया, D3 1, D6 0 और D7 1, तो इवन पैरिटी P2 के लिए क्या वैल्यू आनी चाहिए? 0, यानी LED ग्लो नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, D3 1, D6 जो है वो रहेगा हमारा 0 और D7 जो है वो हमारा 1, ठीक है। तो इसके बाद हमारा LED ग्लो नहीं होना चाहिए, तो हमारा LED ऑफ हो गया। LED ऑफ हो गया यानी P2 0 है, इसी का मतलब यहाँ पे P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इवन पैरिटी के लिए? 0। तो P2 की वैल्यू 0 और इवन पैरिटी P1 की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी? 1। अब हमें अगर P4 सेट करना है, P4 सेट करने के लिए कौन कौन सी बिट्स काम में आती है? P4 D5 D6 है D7। और ये LED का नाम अगर मैंने यहाँ पे अभी P4 कर दिया तो मुझे कौन कौन सी बिट्स को लेने पड़ेंगे? 5, 6 एंड 7। तो ये मेरी D3 वाली जो बिट है ये मेरा पहला बन जाएगा अभी D5, फिर ये D6 और ये मेरा D7। तो अभी D5 की वैल्यू क्या है हमारी? D5 की वैल्यू देखिए 1 है, D6 की वैल्यू क्या है? 0 है, और D7 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे? 1 है, यानी 1, 0, 1। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी 1, 0 और ये हमारा D7 1। तो 1, 0, 1 के लिए हमारा LED ग्लो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, यानी P4 की भी वैल्यू हमारी क्या आएगी? 0। और यहाँ पे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे कि इवन पैरिटी के लिए P4 की वैल्यू क्या आती है? 0। तो यहाँ पे P4 का वैल्यू मैं क्या लिखूँगी? 0। तो हमारे तीन पैरिटी बिट्स हमें मिल गए हैं, P1 की वैल्यू 1, P2 की वैल्यू 0 और P4 की वैल्यू 0। ये कौन से पैरिटी के लिए हुआ है? ये इवन पैरिटी के लिए। अब आप टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट कीजिए, ये पूरे इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, यानी टोटल नंबर ऑफ वंस इज एन इवन नंबर, सो दैट दिस हैमिंग कोड रिप्रेजेंट्स इवन पैरिटी हैमिंग कोड। तो कैसे पैरिटी बिट्स को जनरेट किया जाता है वो पूरी टेक्निक मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड आप लोगों को विद कनेक्शंस बताया है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली ऑफ जनरेटिंग द हैमिंग कोड्स फॉर 4-bit डेटा। थैंक यू सो मच।